is Kasha Kaur. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Nykaa Pink Summer Sale is live and I know मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ but better late than never. वैसे जब सेल स्टार्ट हुई थी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने देख ही लिया होगा मैंने वहाँ पे फटाफट वाले सजेशन डाले थे. I always do Q&A. मैं YouTube पर डेडिकेटेड रिकमेंडेशन नहीं करती बिकॉज आई फील लाइक हर बार कुछ ना कुछ अलग डील आती रहती है. मैं कुछ ऐसा रिकमेंड करूँ जिसकी डील अभी ना हो या फिर बाद में चेंज हो जाए. सो मैं क्या करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर रिकमेंडेशन करती हूँ. मैं आपसे पूछती हूँ आपको क्या लेना और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें रिकमेंड करती हूँ. आई थिंक दैट इज़ अ बेटर वे. मुझे इससे पता भी चल जाता है ऑडियंस को क्या खरीदना है. सो वो सारी रिकमेंडेशन मैंने सेव करती है मेरे इंस्टाग्राम हाईलाइट पर. आप मेरे प्रोफाइल पर जाओ, माई इंस्टाग्राम आईडी इज़ kashka.chauhan. इन केस अभी फॉलो नहीं कर रहे, बाय द वे नॉट जस्ट दिस बॉक्स, मैं नायका काफ़ी सारा PR भी शो करने वाली हूँ. लास्ट टू मंथ्स में काफ़ी सारा मुझे PR रिसीव हुआ था फ्रॉम स्किन केयर एंड मेकअप कैटेगरी और अभी सही टाइम है बिकॉज सब कुछ अच्छी डील्स में मिल रहा है तो वो भी मैं सारा शेयर करने वाली हूँ. सो वीडियो थोड़ी सी लंबे होने वाली है. आप आराम से चाय कॉफी लेके बैठो, चिल करते हुए देखो और अगर कुछ खरीदना हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे. सबसे पहले देखते हैं हमारे पिंक समर बॉक्स में क्या है. मैंने लिटरली सब कुछ ऊपर से देखा है, खोला भी नहीं है. आई थॉट सबसे पहले देखते हैं हमारे पिंक समर बॉक्स में क्या है. मैंने लिटरली सब कुछ ऊपर ऊपर से देखा है, प्रॉपर कुछ यूज़ नहीं किया, लेकिन एक चीज़ जो मैंने यूज़ कर ली कल ही वो है ये गब का हेयर स्ट्रेटनर ब्रश. ये जैसे ही मैंने इसके अंदर देखा ना आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज मुझे ऐसे वाले टूल्स बहुत अच्छे लगते हैं जो मेरा काम आसान करते हैं बेसिकली. सो ये गब ब्रांड का, दिस ऑज द पैकेजिंग लुक्स लाइक गब के. मैंने हेयर ब्रशेज मेकअप ब्रशेज यूज़ करे हुए हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं. मेरे पास का आई लैश कलर भी आई गेस. सो ये तो पैम्पलेट है. सो कल मैं गई थी एक फैमिली डिनर पे, सो आई थॉट जरा ट्राई कर लेते हैं, इससे बेटर क्या मौका होगा. So this is how the body looks like. थोड़े से बर्न है इसमें, as usual hair fall after marriage is real. घर चेंज होता है, पानी चेंज होता है, सब कुछ हिल जाता है. सो मेरा भी हेयर फॉल आजकल थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है. बट दिस आउट द बॉडी लुक्स लाइक, काफ़ी प्यारा बेबी पिंक कलर है. सो यहाँ पे जब हम ऑन करते हैं ऑफ लिखा हुआ आता है, सो हमें ये बटन को थोड़ा थोड़ी देर प्रेस करना होता है, वो ऑन हो जाता है और फिर टेम्परेचर आप इजिली कंट्रोल कर सकते हो. और ये इसका ब्रश है. बाय द वे मेरे पास ऑलरेडी एक हेयर स्ट्रेटनर ब्रश है, यहाँ पर नहीं है, मेरे अपने घर में है, मतलब मायके में है. मुझे ऐसे बोलना पड़ता है बिकॉज ऐसे से समझ नहीं आता ये वाला घर वो अलग घर. सो वहाँ पर मेरे पास एलन ट्रूमन का हेयर ब्रश है और उसमें क्या है, उसमें पतले पतले ब्रिसल्स होते हैं, उसके अंदर प्लेट्स होती हैं जो ऐसे प्रेसिंग करती है. इसमें एक डिफरेंट है. सो इसमें बाहर तो नॉर्मल कोम जैसे ही है लेकिन जो सेंटर के तीन है ना वो काफ़ी थिक है, लाइक आप देख सकते हो इसके अंदर आपको ये प्लेट्स दिखेंगी. सो ये जो प्लेट्स होती हैं हीटअप हो जाती हैं और फिर आप ऐसे करके स्ट्रेटनिंग कर सकते हो बेसिकली. मैंने कल ये यूज़ किया था, आई ट्राई टू इंसर्ट दैट क्लिप अगर आप देख पाओ तो. ज़्यादा कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं होता, ऑब्वियसली स्ट्रेटनर कंपेरिजन में जो हेयर ब्रश होता है वो थोड़ा सा जेंटल वे में वर्क करता है, बट डेफिनेटली इट इज़ सेफर देन स्ट्रेटनर बिकॉज स्ट्रेटनर में क्या होता है, इट्स लाइक अ प्रेसिंग मशीन. आप अपने बालों को दो प्रेसिंग मशीन के बीच में से दबाते हो, सो उसमें हेयर डैमेज और ज़्यादा होता है. वेयर एज इसमें क्या होता है, जो प्लेट्स होती है उसके उसमें सिर्फ टच होता है आपका बाल. सो प्लेट से टच होकर जो हीट निकलती है उससे थोड़े बहुत आपके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं. तो अगर आपके बाल मेरे जैसे हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज माय नेचुरल हेयर बाय द वे, आपको हल्का हल्का ऐसे कर्ल्स दिख रहे होंगे, तो अगर आप इस पर जल्दी जल्दी ऐसे हेयर स्ट्रेटनर मैं करूंगी ना तो काफ़ी अच्छा एक नेचुरल स्ट्रेट इफेक्ट आता है. सो फर्स्ट यूज़ के हिसाब से बोला जाए तो अच्छा वर्क किया, डिसेंट वर्क किया, थोड़े बहुत बाल स्ट्रेट भी हो गए थे, हीट भी अच्छे से तरीके से हो रहा था, टेम्परेचर कंट्रोल है तो आप बढ़ा सकते हो कम भी कर सकते हो. बॉडी काफ़ी अच्छी है और अगर अभी भेजा है इन्होंने तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी डील पर होगा. इसका प्राइस 1795 है लेकिन डील पर डेफिनेटली मिल जाएगा. मैं आप प्राइसेस भी बाय द वे सबके मेंशन कर दूंगी सो दैट आपको क्लियर हो जाए और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. नेक्स्ट अप वी हैव समथिंग द स्किन केयर कैटेगरी. हमेशा न्यूट्रोजना का कोई ना कोई प्रोडक्ट आता ही है नायका के बॉक्स में. सो ये न्यूट्रोजना का इस बार हाइड्रो बूस्ट. ये ऑयली स्किन का मॉइस्चराइजर है बाय द वे, मैं कॉलेज टाइम में बहुत यूज़ करती थी. अगर आपने वो क्लिनिक का मॉइस्चर सर्च नहीं आप अफोर्ड कर सकते, आपको एक्सपेंसिव लगता है, तो आप ये ले सकते हो बिकॉज ये क्लिनिक के मॉइस्चर सर्च का एक सस्ता ड्यूप माना जाता है. दो वाला जो है वो फ्रेग्रेंस फ्री है, वो सेंसिटिव स्किन के लिए भी अच्छा है. इसमें हल्की सी फ्रेग्रेंस है तो अगर आपको फ्रेग्रेंस एलर्जी है आई वुडंट 100% रिकमेंड, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत फ्रेग्रेंस सूट कर जाती है, आप गर्मियों के लिए कोई अच्छा जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर देख रहे हो, दिस इज रियली नाइस, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. नेक्स्ट अप वी हैव पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, जिसका ऑलरेडी मैंने कैंपेन किया हुआ है लास्ट ईयर दिवाली के अराउंड किया था आई थिंक. सो ये है शेड आइवरी. आई ऑलरेडी हैव द शेड लाइट और मीडियम, आई डोंट नो, इन्होंने शेड अब एक्सपैंड कर दिया. स्टार्टिंग में पॉन्ड्स में बिल्कुल भी शेड नहीं आते थे, अब इन्होंने थोड़े बहुत शेड्स निकाले हैं. सो ये इंस्टेंट स्पॉट कवरेज देता है, लाइट मेकअप ग्लो देता है और आई ऑलरेडी हैव इट. यहाँ पर नहीं है मेरे, वहाँ पर घर पर मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ. वाला जो शेड है वो थोड़ा सा ऑरेंज टोन वाला शेड है तो उससे कलर करेक्शन बहुत अमेजिंग होती थी, बट ये वाला लाइट शेड है आई एम श्योर बिकॉज आईवरी जो कलर होता है वो हमेशा लाइट ही होता है. सो एक बार मैं जरा पंप करके देखती हूँ इसका कलर क्या है, बट दिस इज रियली नाइस. अगर आप कुछ अफोर्डेबल प्राइस के हिसाब से कोई बीबी सीसी क्रीम देख रहे हो ना डेली बेसिस के लिए, लाइक आपको मेकअप करना है, आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इफेक्ट के लिए देख रहे हो, तो आप ये ट्राई कर सकते हो. ओके, आइवरी के हिसाब से नॉट दैट लाइट, यूजली आइवरी जो कलर होता है बहुत ज़्यादा लाइट होता है,
बट दिस इज डिसेंट. लाइक अगर हल्का सा एक्ने मार्क्स की कवरेज चाहिए और अगर मैं ब्लेंड कर दूं, आई थिंक मुझे ये सूट कर जाएगा. आई एम नॉट रियली श्योर. आई विश इसका दूसरा वाला शेड यहाँ पर होता तो मैं इंसर्ट करके दिखाती, बट आई थिंक मेरे पास इमेज है जो मैंने इंस्टाग्राम पर भी शेयर करी थी. सो वो वाला जो शेड है वो कुछ इस तरह से दिखता है, मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी. और ये वाला आइवरी शेड है, सो अपने हिसाब से जो मैच करता है वो ले सकते हो. अपने कॉलेज टाइम में मैंने पॉन्ड्स बीबी क्रीम बहुत यूज करी है. इट्स रियली नाइस, कवरेज भी अच्छी देती है और डेली बेसिस के लिए एकदम परफेक्ट है. सब वी हैव बोना क्योर का मॉइस्चर किक स्प्रे कंडीशनर ग्लिसरॉल क्लीन परफॉर्मेंस. ओके, इट इज अ स्प्रे कंडीशनर, सो इसको वॉश ऑफ करना है फिर नहीं करना, आई एम नॉट रियली श्योर कैसे यूज करना है. कहीं लिखा हुआ है नहीं, दे आर नॉट रिटन इसको यूज कैसे करना है, बट आई थिंक ये ऐसे यूज करना होगा बिकॉज ये वॉश ऑफ प्रोडक्ट तो होगा नहीं, स्प्रे प्रोडक्ट है. सो थोड़ा सा सेपरेट हो गया था तो मैंने इसको शेक किया. बाय द वे दिस इज बाय द ब्रांड स्कॉर्शॉफ की बोना केयर रेंज इज रियली नाइस. मेरे पास इसका केराटिन स्मूथ वाला शैम्पू है, कंडीशनर है, हेयर मास्क है, सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं. सो लेट मी जस्ट ट्राई, हल्की सी मुझे फ्रिजीनेस तो है, पर ट्राई करके देखते हैं. तो फर्स्ट टाइम ना पंप ही नहीं काम करते. सुपर फाइन, हाँ खुशबू कितनी अच्छी है. ओ इसकी खुशबू बहुत प्यारी है. सो इज देयर एनी डिफरेंस? देखो कुछ चिपचिप तो फील हो नहीं रहा और सूप भी बहुत जल्दी गया. या ड्राई आउट हो गया. ओ इट्स नाइस, ये बिल्कुल सूख गया और मेरे बाल ऐसे टेम डाउन हो गए. कैन यू सी यहाँ के बालों में एक अजीब से आपको ऐसे फ्रिज दिख रही होगी, ये वाले बाल एकदम ऐसे टेम डाउन हो गए. सो दिस इज रियली गुड फॉर फ्रिजी हेयर. लाइक अगर आपके सुप्रीमली फ्रिजी हेयर है, आप कुछ ऑन द गो देख रहे हो, इट इज़ अ रियली नाइस प्रोडक्ट. हाँ खुशबू बहुत प्यारी है इसकी. इसका एम आर पी कितना है? दिस इज फॉर 1100, बट आई थिंक डिस्काउंट पे होगा, ये डेफिनेटली सेल चल रही है, डिस्काउंट पे होगा तो आप चेक कर सकते हो. करके ऐसे स्ट्रेट बाल हो गए मेरे. नेक्स्ट अब यार फेसेस कैनडा का बनाना कॉम्पैक्ट पाउडर एच डी नेचुरल फिनिश देता है, 8 आवर का ऑयल कंट्रोल देता है. फेसेस कैनडा ने रिसेंटली काफ़ी सारे अपने प्रोडक्ट्स रीवैम्प कर दिए, मतलब पैकेजिंग चेंज कर दी है, थोड़ी सी लुक वाइज चेंज कर दिया है. ओके, फिर वो कागज़ वाली पैकेजिंग है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स की, माइग्लाम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं. आई रिमेंबर माइग्लाम की काफ़ी ऐसी सिमिलर पैकेजिंग होती है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड वंस यू ओपन इट हेयर इज द प्रोडक्ट. ओके, इसमें कोई पफ नहीं आता, नो पफ इन देयर. एंड एक बार हटाऊँ मैं. सो दिस इज हाउ द पाउडर लुक्स लाइक. बनाना है ना, तो बनाना जो होता है उसकी हल्की सी येलो अंडरटोन होती है, उसकी भी बिल्कुल वैसी येलो अंडरटोन है. सो दिस इज हाउ द पाउडर लुक्स लाइक. एंड द शेड ऑफ दिस वन इज, वेयर इज द शेड? इसको कोई शेड नहीं, आई थिंक दिस इज अ बनाना कॉम्पैक्ट पाउडर, इसमें कोई शेड नहीं है. इसमें लिखा है सूट्स ऑल स्किन टाइप, ब्राइटन करता है स्किन को, नो पैराबेन, नो अल्कोहल विद हाइड्रोनिक एसिड एंड क्रुएल्टी फ्री. ये डेफिनेटली मैं ट्राई करके बताऊंगी. समर से तो जितने भी कॉम्पैक्ट हो उतना कम है, बट आई रियली विश जो कॉम्पैक्ट होते हैं ना, उनका जो मेन पर्पज होता है वो ट्रैवलिंग के लिए ही होता है, हम ट्रैवलिंग में ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तो इनके साथ अगर वो पफ भी दें ना तो बेटर रहेगा. मुझे अपना कोई पफ ढूंढ के इसके अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ट्रैवलिंग में ऑब्वियसली यू नीड अ पफ. घर के लिए तो ऑब्वियसली यू कैन यूज अ ब्रश, बट या इसको जो मैं टेस्ट करके बताऊंगी तभी बोल सकती हूँ. नो कमेंट्स राइट नाउ. नेक्स्ट अब यार नायका स्किन आरएक्स की स्पॉट करेक्ट 5% नायसिनमाइड वाली क्रीम, दिस हाउ इट लुक्स लाइक. बाय द वे इनकी दो क्रीम आती है जो मुझे अभी रिसेंटली पता चला जब मैं Q&A कर रही थी. सो इंस्टाग्राम के Q&A में मेरे से किसी ने पूछा कि कुछ ऑयली स्किन के लिए क्रीम बताओ. मेरे पास नायका की ये स्पॉट करेक्ट वाली नायसिनमाइड की क्रीम है जो ऑयली स्किन के लिए भी आती है. सो मैंने गलती से ना ये ड्राई स्किन वाला टैग कर दिया और मुझे किसी ने फिर बताया आपने ड्राई स्किन का टैग कर दिया. फिर मैंने उसको ठीक किया. अगर आपने हाईलाइट्स देखी होगी आप समझ गए होगे, बट इसका जो ऑयली स्किन वाला वर्जन आता है दैट इज सो 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 गुड. डेली जब भी मेकअप करती हूँ या फिर हल्का फुल्का कहीं बाहर जाती हूँ मैं वही यूज़ करती हूँ. गर्मियों के हिसाब से मुझे बहुत अच्छी लगी. सो ये उसी का ही ड्राई स्किन वाला वर्जन है. ये नायका की स्किन आरएक्स रेंज है बाय द वे. जो मॉइस्चराइजर आता है स्पॉट करेक्ट 5% नायसिनमाइड, जिंक है, अल्फा आर्बिटिन है, ये इवन आउट करता है स्किन को. सो जो दूसरी वाली है ना उसमें खाली जिंक है और आई थिंक एक और इंग्रेडिएंट है आई एम नॉट रॉन्ग, वो स्पेसिफिकली ऑयली स्किन के लिए बनी है, वो आप ले सकते हो. सो द चॉइस इज योर्स. अगर आपकी ऑयली स्किन है गो फॉर द ऑयली स्किन वन, ड्राई स्किन है गो फॉर द ड्राई स्किन वन. लेकिन वो वाली मुझे बहुत पसंद आ रही है, डेफिनेटली अ मस्ट बाय फॉर ऑयली स्किन गर्ल्स. नेक्स्ट अप वी हैव नायका का सुपर साइजर मस्कारा. आई रिमेंबर नायका ने जब 3 मस्कारा लॉन्च किए थे उन्होंने मुझे PR में भेजा था. उनका एक कर्ल वाला मस्कारा आता है जिसकी ना टिप हल्की से टेढ़ी है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था बिकॉज आई हैव हुडेड आइज. और जब हुडेड आइज पर आप मस्कारा लगाते हो ना, जिन जिनकी हुडेड आइज है उनको पता होगा जब मस्कारा ऐसे लगाते हो तो ऊपर टच हो जाता है. सो उसका जो कर्व वाला वॉन्ड था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता था. इसकी जो पैकेजिंग है वो काफ़ी सिमिलर है लाइक मेबलिन की जो आती है ना वो वाली कोलॉसल की पैकेजिंग, वो बेसिक येलो एंड ब्लैक आती है, इसकी भी बिल्कुल वैसी पैकेजिंग है. बट ये इनका सुपर साइजर वाला है. सो इसका जो बेसिकली आगे का शेप है ना, यू कैन सी इट हैज दिस शेप, यू कैन सी
हर किसी ऐसे कर्व में जो जाती है, सो यू कैन अप्लाई इट वेरी इजीली. ये काफ़ी अफोर्डेबल बाय द वे, नायका पर तो आई थिंक 40-50% ऑफ समथिंग चल रहा है, सो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हो. नेक्स्ट अप वी हैव मेकअप रेवोल्यूशन का सुपर ड्यूई लिक्विड ब्लश. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मुझे काफ़ी टाइम से ट्राई करना था, सो ये फाइनली आई हैव इट. ये मैंने टेस्ट कर लिया है, मैंने कर ली परसों मैंने यूज़ करके देखा था. आई रियली लाइक्ड इट. सो ये ऑब्वियसली लिक्विड ब्लश है, तो ऐसे ट्यूब काइंड ऑफ पैकेजिंग में आता है. इससे पहले जो मैं लिक्विड ब्लश यूज़ कर रही हूँ, अभी भी रखा है मेरे पास, वो है फ्लावर ब्यूटी का. ओ माई गॉड, दैट ब्लश इज़ लाइक सुपर अमेजिंग है, तो खत्म ही नहीं होता. अभी भी उसमें इतनी क्वांटिटी है ना, आई थिंक मैं एक साल से ऊपर हो चुका है उसको यूज़ कर रही हूँ. आई रियली नीड टू चेक कि वो एक्सपायर ना हो गया हो. बट लिक्विड ब्लशेज आर रियली गुड फॉर एक्ने प्रोन स्किन पीपल, बिकॉज जब डेली बेसिस का मेकअप करते हो ना, उसमें अगर आपको बेस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना ना, तो वो ब्लश ही होता है. हाईलाइटर चाहे आप स्किप कर सकते हो, बट एक हल्का सा ब्लश ऐड कर दो ना, तो ओवरऑल लुक अच्छी लगती है. और डेली बेसिस पे पाउडर वाला ब्लश अगर आप यूज़ करोगे, आप ब्रश उठाओगे उसमें डिप करोगे फिर यूज़ करोगे, उसको क्लीन करते हो नहीं करते, एक्ने होने के चांस होते हैं. सो मुझे ये बहुत हाइजेनिक लगता है, बिकॉज ऐसी जब ट्यूब पैकेजिंग होती है ना, आप इजीली कितना भी कंट्रोल करके ले सकते हो. थोड़ा सा फिंगर पे ले लो, थोड़ा सा डायरेक्टली ऐसे लगा के, एंड देन जस्ट ब्लेंड इट. सो एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको ये वाला कैसा दिखता है. सो ये भी मैट ब्लश है बाय द वे, इसमें कोई भी हाईलाइटर वाले पार्टिकल नहीं है. ओ इट्स वेरी स्मूथ, काफ़ी स्मूथ है, एंड इट इज ब्लेंडिंग रियली वेल. सी कितना प्यारा लग रहा है. And the fact that it is matte, it is good, because everyday basis पे किसी को भी वो shimmery वाले blush नहीं पसंद. So अगर ये अच्छी deal पे है अभी, ले लो. Liquid blushes बहुत लंबे चलते हैं, they are hygienic, they are safe for acne prone skin. इसका shade क्या है, I really don't know the shade. The shade is You Got Me Blushing. Oh, such a nice बोल रही मैं, such a nice name. So इसका नाम है You Got Me Blushing. This is how it looks like. ये मैं हल्का सा यूज़ करके देखती हूँ, बिकॉज वाई नॉट. आजकल तो वैसे भी एक्स्ट्रा ब्लश का फैशन है, थोड़ा सा लगा के देखते हैं कैसा लग रहा है. निकला हल्का सा लगाऊंगी, बिकॉज मैंने ऑलरेडी ब्लश लगाया हुआ है, वरना फिर लोग बेइज्जती करने शुरू कर देंगे, क्या क्लाउन बन के बैठ के इतना सारा ब्लश लगा के. ओ ज़्यादा हो गया. ओके, सो लिक्विड ब्लश में यही सीन होता है, हल्का सा भी लगा लो ना इतना ओवर हो जाता है, बट इट लुक्स नाइस. अब इसके कंपैरिजन में अगर आप देखो तो ऑब्वियसली थोड़ी सी जोकर लगूंगी, बट दोनों साइड लगा लेती हूँ यार. अब बन रही हूँ तो पूरी बन जाती हूँ ना, फिर हल्का अप्लाई कर देती हूँ. ये कैमरे में देख के जब भी मेकअप होता है ना, वो हमेशा गड़बड़ होता है, बिकॉज क्वान्टिटी हमेशा ज़्यादा लग जाती है. बट इट लुक्स गुड, अब अच्छा लग रहा है. पता है पहले मैंने काफ़ी कम ब्लश लगाया था, आई थिंक, या फिर मुझे आजकल ज़्यादा शौक हो गया शादी के बाद भर भर के ब्लश लगाने का, बट आई थिंक इट लुक्स बेटर नाउ. दिस इज गुड, डेफिनेटली बाय इट. नेक्स्ट वी हैव मेबलिन का लास्टिंग ड्रामा जेल लाइनर. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. दिस इज वॉट वी यूज इन आर क्लासेज एज वेल. अगर आपको नहीं पता, मैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रही हूँ फ्रॉम एन अकेडमी, और वहाँ पे हमें जो प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं ना, वो जेल लाइनर ही मिलते हैं. अकेडमी से कभी भी आप प्रोफेशनल मेकअप का कोर्स करोगे, आपको लिक्विड लाइनर या जो भी लिक्विड बेस्ड आई लाइनर्स होते हैं वो नहीं मिलने वाले. मेकअप आर्टिस्ट जेल लाइनर्स ही यूज़ करते हैं, फिर क्रीम लाइनर्स दो होते हैं. जेल लाइनर जो होता है वो लगाते ही सूख जाते हैं, बिकॉज उसको आप स्मज नहीं कर सकते. अगर आपको स्मोकी आई क्रिएट करने हैं तो आप क्रीम आईलाइनर्स देते हो. बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आपको क्रीमी बेस्ड आईलाइनर्स भी मिलते हैं, वो लगा के आप उसको एक स्मोकी इफेक्ट दे सकते हो. फॉर एग्जांपल, जब भी हमें स्मोकी आई लुक करनी होती है, हम यूज़ करते हैं व्हाट इज मेकअप स्टूडियो का क्रीम आईलाइनर यूज़ करते हैं. ये वाला हम खाली लाइनर लगाने के लिए यूज़ करते हैं. सो मेरा थोड़ा हाथ बैठ गया है जेल लाइनर्स पे. दो इसके साथ जो ब्रश आता है वो एकदम यूजलेस है, वो बहुत मोटा है, उसके साथ काम नहीं कर सकते आप. बट जेल लाइनर इज डेफिनेटली नाइस, लुक्स है एकदम साफ सुथरा लाइनर, कितना अच्छा लग रहा है ना. मतलब मन भी नहीं करता ऐसे कुछ डिग करो, बिकॉज अच्छा लगता है. एंड दिस इज़ द ब्रश जो काफ़ी थिक है, मतलब ये इनको ना लिप लाइनर ब्रश बोलना चाहिए, बिकॉज इतने ऐसे टाइप के ब्रश से ना कोई भी आई लाइनर तो नहीं लगाने वाला. दिस इज़ द ब्रश लुक्स लाइक. इससे तो आई लाइनर आपका बहुत ही मोटा लगेगा. आप प्रॉपर एक आई लाइनर ब्रश ले सकते हो, एंड ट्रस्ट मी, एक अच्छा आई लाइनर ब्रश गेम चेंजर होता है. मैं पहले जब क्लासेस में जाती थी ना, मेरे से लाइनर लगता ही नहीं था, फिर मैंने एक अच्छा आई लाइनर ब्रश लिया बिल्कुल पतली टिप का, अब मेरे से लाइनर फिर भी थोड़ा सा ठीक लग जाता है. सो या अ गुड ब्रश कैन चेंज द गेम. सो वी हैव फॉरएवर 52 का मेकअप फिक्सर, जो मुझे लास्ट टाइम भी रिसीव हुआ था. दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉरएवर 52 एज अ ब्रांड इज अ
अमेजिंग बिकॉज ये मेकअप आर्टिस्ट यूज करते हैं. अगर आप भी लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करना चाहते हो, ब्राइडल मेकअप हो गया, फोटोग्राफी वाला मेकअप हो गया, या आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हो, फॉरएवर 52 इज अ रियली नाइस ब्रांड. और ये कभी सेल पर नहीं आती. अभी नायका की सेल पे आपको आई थिंक 15% ऑफ पे मिल रही है और ये बहुत है बिकॉज इस सारा डिस्काउंट नहीं आता इस पे. सो डेफिनेटली आप ग्रैब कर सकते हो. ये स्प्रे मैंने यूज किया हुआ है, मुझे पहले भी रिसीव हुआ था. ये ऐसे जैसे हेयर स्प्रे नहीं आते बिल्कुल वैसी वाली पैकेजिंग में आता है. यू जस्ट नीड टू शेक इट, दूसरे स्प्रे करो एंड योर मेकअप गेट्स लॉक्ड. आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ मेकअप फिक्सर्स. मैं गर्मियों में जब भी मेकअप करती हूँ मैं हमेशा मेकअप फिक्सर यूज करती हूँ. अदरवाइज बेस हिल जाता है, ट्रांसफर बहुत ज्यादा होता है, फोन के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है. सो ये प्रोडक्ट काफी काम आता है. इसका एमआरपी कितना है? द एमआरपी ऑफ दिस वन इज 1249, बट आई थिंक सेल पर ही डिस्काउंट पर अवेलेबल होगा. सो यू कैन डेफिनेटली ग्रैब. नेक्स्ट अप हमारे पास है थोड़ी बहुत खुशबू. एज यूजुअल कुछ ना कुछ फ्रेग्रेंस तो होती है. सो इस बार है प्लम बॉडी लविंग का बॉडी मिस्ट इन द वेरिएंट हवाईयन रूम्बा. आई थिंक यहाँ पर नहीं है, मेरे वहाँ पे घर पे है, मैं यही यूज करती हूँ वहाँ पे हवाईयन रूम्बा. सो फाइनली हमारे पास यहाँ पे भी एक हो गया. इसकी काफ़ी अच्छी, जैसा इसका नाम है ना हवाईयन रूम्बा, इसके बिल्कुल वो गोवा बीची, मतलब हाउ कैन आई डिस्क्राइब, आई एम वेरी बैड एट डिस्क्राइबिंग फ्रेग्रेंसेज, बट एक बार मैं समझाती हूँ उनको. या सो इट्स फ्रेश लेकिन हल्का सा एक फ्लोरल का हिंट आ रहा है. सो इट्स लाइक आप बीच में खड़े हो लेकिन आपके हाथ में एक बुके है. सो या इसकी ऐसी कुछ हुआ है. आई एम वेरी बैड एट एक्सप्लेनिंग फ्रेग्रेंसेज, बट दिस इज नाइस. अगर आपको एक्सट्रीम मीठा नहीं पसंद, आपको एक्सट्रीम एक्वा नहीं पसंद, ये कुछ ऐसे मिडल में है और ये काफ़ी अच्छा है. सो प्लम पर भी अभी बहुत अमेजिंग डिस्काउंट चल रहा है नायका पे, चेक कर लो बिकॉज ये ऑलरेडी काफ़ी सस्ता है एंड इट लास्ट रियली लॉन्ग एज इन द बॉटल, नॉट द मिस्ट. जो बॉडी मिस्ट होते हैं वो इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, मैं क्लियर कर देती हूँ. आपको बार बार रीअप्लाई करने पड़ेंगे. बट ये जो बॉटल है इसमें से ना स्प्रे बहुत ज़्यादा फाइन आता है, तो ये बॉटल बहुत लंबे टाइम तक चल जाती है. प्लास्टिक की बॉटल है, आपने कॉलेज बैग में इजिली कोई भी ऑफिस बैग में भी डाल सकते हो. 525 का है बट आई थिंक ये डेफिनेटली अच्छा से डिस्काउंट पे अवेलेबल होगा. सो चेक कर लेना. एंड टॉकिंग अबाउट फ्रेग्रेंसेज, हमारे पास पूरा परफ्यूम का डिब्बा है और इसके साथ मैंने अभी कोलैबोरेशन करी है एज इन इस ब्रांड के साथ जो बेला वीटा लग्जरी है. अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो आपने देख लिया होगा, मैंने इनके साथ एक कोलैबोरेशन में वीडियो डाली थी. सो इसके अंदर सेट ऑफ 4 परफ्यूम आते हैं. नॉट गोना ओपन इट बिकॉज डिट्टो मेरे पास रखा ही हुआ है, मैं आप वो वीडियो में इंसर्ट कर दूंगी. 4 परफ्यूम्स आते हैं, दे आर एक्चुअली गुड, दे आर टाइनी, दीज आर गुड, दीज आर अफोर्डेबल एज वेल. अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो ना, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है बिकॉज ये प्रॉपर ऐसे मैग्नेटिक बॉक्स में आता है, कोई ऐसे खोलेगा अंदर से ऐसे 4 परफ्यूम निकलेंगे, बट अच्छा लगता है गिफ्ट देने में. ऑल्सो द प्राइस 849 प्राइस है, डिस्काउंट करके तो और भी सस्ता होगा. सो या बाय इट. नेक्स्ट अप वी हैव समथिंग जो ऑलरेडी मेरे पास रखा ही है, मुझे 2-3 महीने पहले ही पीआर में आया था. ये है लॉरियल का स्कैल्प एडवांस, जो इनकी न्यू रेंज लॉन्च हुई है जो कुछ इस तरह की दिखती है. ये स्कैल्प एडवांस का 2-in-1 शैम्पू एंड मास्क डीप प्योरीफायर है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. और इसका जो अंदर का है ना, मैं ये नहीं खोल रही, मेरे पास ऑलरेडी वो रखा है वॉशरूम, मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी. इट्स लाइक अ ग्रे चारकोल जैसा होता है ना, वैसा शैम्पू मास्क. तो मैंने जब फर्स्ट टाइम यूज़ किया वाज लाइक, अब मैं इसको हेयर मास्क की तरह यूज़ करूँ या फिर मैं इसको शैम्पू की तरह यूज़ करूँ, मुझे नहीं समझ आया. सो बेसिकली 2-in-1 प्रोडक्ट है कि फोम करता है. सो आप थोड़ा सा लो एंड आप उसको शैम्पू भी कर सकते हो और हेयर लेंथ पे लगा के बन बना के छोड़ दो एंड देन जस्ट वॉश इट ऑफ. तो ये शैम्पू का भी काम कर रहा है, हेयर मास्क का भी काम कर रहा है. सो इफ यू आर समवन हु इज लाइक ऑन द गो, लेट हो रहे हो, फटाफट हेयर वॉश करना है, फिर सुबह टाइम नहीं होता है, फिर कुछ ऐसा चाहिए कि आप आलसी हो, आपको दोनों चीजें एक के अंदर ही चाहिए, सो दिस इज एक्चुअली गुड बिकॉज से आपकी स्कैल्प भी क्लेंज हो रही है और आपके हेयर भी नरिश हो रहे हैं. इसको लगाते ही एकदम स्मूथनिंग वाला इफेक्ट नहीं आता जैसे कंडीशनर हेयर मास्क में आता है, बट मैंने नोटिस किया थोड़ी देर बाद, 2-3 घंटे बाद जब बाल ड्राई होते हैं, थोड़े से टेम डाउन होते हैं, फिर जाके आपके बाल काफ़ी स्मूथ लगते हैं. सो ये वर्क करता है लेकिन इंस्टेंटली वर्क नहीं करता. आप जब इसको वॉश ऑफ करो ना, आपको लगेगा लाइक कंडीशनिंग वाली फील नहीं आई, बट ऐसा नहीं है, थोड़ी देर बाद आपके बाल एक्चुअली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होते हैं. सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट, ये न्यू रेंज काफ़ी अच्छी है. लेट्स स्टार्ट विद पीआर स्टफ. मैंने पीआर का सामान आयुगा के डब्बे में पता नहीं क्यों रखा हुआ है, बट या सो सबसे पहले मुझे जो पीआर रिसीव हुआ था रिसेंटली वो है नायका का ही हेयर केयर का. ये है उनका हेयर ऑयल और कंडीशनर, और जो शैम्पू था वो ऑलरेडी मेरे वॉशरूम में रखा है. यू गाइस नो माय लव फॉर नायका हेयर शैम्पूज, आई लव देम. मैंने आई थिंक इनके सारे वेरिएंट्स यूज़ करे हैं, एक एक वेरिएंट की 2-2 बॉटल फिनिश कर रही हैं. मतलब आई थिंक लास्ट जब से लॉन्च हुआ है ना, मैंने 4 या 5 बॉटल तो ईजिली फिनिश कर दी हैं. आई रियली लाइक देयर शैम्पू. हेयर मास्क ओके है, हेयर ऑयल भी ठीक ठाक है, लेकिन शैम्पू अमेजिंग. अभी वॉशरूम में रखा है मेरे पास, आई लव इट. आप कोई भी इसका वेरियंट लो, आपको अच्छा लगने वाला है. फोम बहुत अच्छे से होता है, बाल क्लेंज भी कर देता है, बाल हल्के फुल्के स्मूथ भी लगते हैं. और अब इन्होंने मिनी वर्जन में निकाल दिया. सो शैम्पू भी बिल्कुल डिट्टो ऐसी पैकेजिंग में आता है जो फुल साइज वाला है. अब इन्होंने एक छोटा साइज भी निकाला है और एक बिल्कुल 99 की छोटी सी ट्यूब भी निकाली है. तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो आप वो 99 वाली ट्यूब भी ले सकते हो, जस्ट इन केस आप श्योर नहीं हो कि बालों को सूट करेगा या नहीं करेगा. सो यू कैन बाय दैट.
नेक्स्ट ऑफ यू हैव हेयर केयर फ्रॉम लॉरियल. सो लॉरियल का सबसे पहले है मेरे पास एब्सोल्यूट रिपेयर का गोल्ड किनुआ प्रोटीन वाला हेयर मास्क, जो ऑलरेडी मैंने पहले यूज़ किया हुआ है. आई थिंक मैंने आपको लास्ट ईयर किसी मंथली फेवरेट में भी दिखाया था, तब उनकी पैकेजिंग दूसरी थी, तब पूरा ऐसे गोल्डन वाला आता था. अब इन्होंने पैकेजिंग थोड़ी सी अपग्रेड कर दी है. ये बिल्कुल इनके ये वाले हेयर मास्क, मतलब इनके सारे हेयर मास्क की जो पैकेजिंग टब्स हैं वो ऑलमोस्ट इन्होंने ऐसे सेम कर दिए हैं, बट ये गोल्ड किनुआ वाला बहुत अच्छा है. इसका एक तो जो ये एब्सोल्यूट रिपेयर का सीरम भी आता है वो भी काफ़ी अच्छा मेरे पास है, यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ, आई लव इट. अगर आपके सुपर फ्रिजी हेयर है ना, ये एब्सोल्यूट रिपेयर आप यूज़ करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा. आपके बाल रिपेयर होंगे, नरिश होंगे, स्मूथ लगेंगे. सो अगर लॉरियल की कोई ऐसी रेंज है जो आप देख रहे हो फ्रिजी हेयर पे वर्क करें, आई थिंक एब्सोल्यूट रिपेयर इज़ रियली नाइस. इसका आप ये वाला मास्क भी ट्राई कर सकते हो. क्योंकि रेवोल्यूशन का थोड़ा सा PR आया था मुझे फ्रॉम नायका, तो मैं आपको कलेक्टिवली दिखा देती हूँ. सबसे पहले है मेरे पास ये मेकअप रेवोल्यूशन की आई शेडो, जो लिटरली पैक्ड है पूरी, मैंने खोली भी नहीं एकदम. देख लो पेशेंस लेवल मेरा, आजकल काफ़ी पेशेंस आ गया मेरे में बिकॉज आई एम बिजी इन लॉट ऑफ थिंग्स. शादी के बाद थोड़ा सा चेंज हो जाता है सिनेरियो. सो ये मैंने खोली भी नहीं है, तब से ऐसी की ऐसी रखी है. सो लेट मी जस्ट सी, आप सबके सामने मैं ये अनबॉक्स करने वाली हूँ. इट्स प्रिटी. ओके सर, इट्स लाइक अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर बड़ा प्यारा है यार, फुल साइज मिरर मिल रहा है. ये ऐसा फुल साइज मिरर हर आई शैडो पैलेट में नहीं मिलता. ट्रैवलिंग के टाइम यही ले जाओ, आपका पूरा काम हो जाएगा. बट दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक. लुक एट दिस, कितने प्यारे शेड हैं. एक तो इसमें हॉट पिंक भी है, जो ऐसे यूजली न्यूड कलर के साथ होता नहीं है, बट इसमें आपको हॉट पिंक के दो शेड मिल रहे हैं. एक शिमरी वाला है, एक लाइट वाला है. देन काफ़ी अच्छे शिमर शेड हैं, न्यूड कलर के बहुत अच्छे शेड हैं. दिस इज रियली गुड. आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. कलरफुल नहीं है, इसमें कोई कलर नहीं है स्पेसिफिकली, लेकिन न्यूड के साथ जो पिंक का इन्होंने हिंट दिया ना, दिस इज रियली गुड. तो अगर आप भी ऐसा मेकअप करना प्रेफर करते हो, लाइक मैं तो मेजरली यही पिंक और न्यूड मेकअप ही करती हूँ, क्योंकि कोई भी आउटफिट हो ना, ये मेकअप हमेशा जाता है. सो या एक बार कुछ स्वॉच करें, पर ये शिमर स्वॉच करते हैं. इसमें शिमर भी है और प्रेस्ड ग्लिटर्स भी हैं. सो एक बार ये एम्पथी जो शेड है, ये प्रेस्ड ग्लिटर्स है, ज़रा ये स्वॉच करते हैं. And this is how it looks like. Ooh, this is really nice. Pressed glitters हर पैलेट में अच्छे नहीं आते, and इसके pressed glitters काफ़ी अच्छे हैं. इसको जब ग्लू के साथ लगाऊंगी ना, और अच्छा इफेक्ट आ जाएगा. बट look at this, look at this. एक ज़रा शिमरी वाला शेड भी स्वॉच कर लेते हैं, बिकॉज ये तो मैं डेफिनेटली यूज़ करने वाली हूँ. दिस इज द शिमरी शेड. रेवोल्यूशन के पैलेट हमेशा अमेजिंग डील पे होते हैं नायका पर. सो डेफिनेटली चेक इट आउट. ये डेफिनेटली 40-50% ऑफ पे तो इजीली होगा, तो ले सकते हो आप. ओके, नेक्स्ट अप वी हैव फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन विप लिप क्रेम. ओके, विप लिप क्रेम है, और आई थिंक ये शेड एकदम न्यूडिश वाला प्यारा वाला शेड लग रहा है. पैकेजिंग इज रियली क्लासी, और एकदम वो न्यूड वाला जो शेड होता है ना, जो मुझे चाहिए होता है, बिकॉज मैं काफ़ी बार ना एकदम चटैक वाली लिपस्टिक लगा लेती हूँ, रेड लगा लिया, हॉट पिंक लगा लिया, फिर ऐसा लगता है यार बड़ी लाउड लग रही है. तो उस टाइम ऐसी लिपस्टिक काम आती है. आप कोई भी अपनी न्यूड लिपस्टिक उठाओ और उसके ऊपर लगा दो, शेड बहुत अच्छा सटल हो जाता है. सो दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक. काफ़ी लाइट सा न्यूड शेड है ये. एवरीडे बेसिस वाला होता है ना, इट्स लाइक माई लिप्स बट बेटर वाला शेड. सो अगर आपको न्यूड कलर पसंद है, आप ये डेफिनेटली परचेज कर सकते हो. ओके, सो नायका के समर बॉक्स में हमें मिला था सुपर डूई वाला ब्लश, और इसमें हमें मिला है सुपर डूई वाला हाईलाइटर. तो हमारा भाई बहन वाली जोड़ी बन चुकी है, बिकॉज दोनों चीज़ें मुझे रिसीव हो गई हैं. सो ये हाईलाइटर सेम पैकेजिंग में आता है मेकअप रेवोल्यूशन का. द शेड ऑफ दिस वन इज पिंक लाइट. सो इसका पिंक अंडरटोन वाला हाईलाइट है. काफ़ी बार जब ऐसे पिंक अंडरटोन के हाईलाइटर्स होते हैं ना, तो आप ब्लश भी स्किप कर सकते हो, बिकॉज इसकी अपनी पिंक टोन आती है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. लेट मी जस्ट स्वॉच इट फॉर यू गाइस. एक हल्का सा ड्रॉप ही बहुत है, बिकॉज हाईलाइटर तो एक ड्रॉप में मैंने उस ब्लश के ऊपर ही लगा दिया. यू कैन सी द इफेक्ट. अब कंप्लीट हो गया, अब जरा लगा ले इसको. ब्लश लगा है तो ये भी लगा ही लेते हैं. लिक्विड हाइलाइटर्स स्टैंड आउट रियली. ओके, इट्स नाइस. सी कितना अच्छा लग रहा है वो ब्लश और हाइलाइटर जो मिक्स हुआ है ना, मतलब मज़ा ही आ गया यार. सो दिस इज जस्ट दैट ब्लश जो मेकअप रेवोल्यूशन में मैं दिखा देती हूँ दोबारा. काफ़ी लोग ऐसे टैप टैप करके आगे कर देते हैं. सो ये सेम मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लश है, और मैंने ये हाईलाइटर उस पर लगाया है. सो आप खाली ब्लश देखो और आप विद हाईलाइटर देखो कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है. थोड़ा सा मैं
राइट साइड भी लगा देती हूँ। प्रोन स्किन वालों के लिए ये वाला मेकअप सबसे अच्छा है, हाइजीनिक है, फिंगर से लगाओ, ना मेकअप कंटेमिनेट होता है, ना कोई ब्रश की जरूरत होती है। ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, अपने कोई भी बैग्स में आप ट्रैवल किट्स में डाल सकते हो, बिकॉज दोनों ही चीज़ें काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली हैं। सो अगर ये दोनों ही ब्लश और हाईलाइटर सेल पर होंगे ना, हाईली हाईली रिकमेंडेड, दीज आर एक्चुअली वेरी नाइस, आई लाइक इट। नेक्स्ट अब ये है मेकअप रेवोल्यूशन का शिमर बॉस लिप ग्लॉस विद विटामिन ई। वो आई रियली थॉट कि वो लिक्विड आई शेडो होगी, बिकॉज ये बाहर से वही लग रही है, पर मुझे पता नहीं था ये शिमर ग्लॉस है। इसका शेड नेम है लस्टर, एंड एक बार देखते हैं जरा लस्टर कैसा है। मैं लिटरली सब कुछ यूज़ करे जा रही हूँ, वैसी हो गई हूँ कि इतने टाइम बाद मुझे मेकअप मिला है ना। ओके, सो दिस इज ऑल द लस्टर शेड लुक्स लाइक, थोड़ा सा डार्क डार्क में एक बार जरा इसको अप्लाई करके देखें। मैंने भी थोड़ा सा रेड टोन में लिपस्टिक लगाई हुई है। वेरी स्वीट, एकदम मीठी मीठी, इसका मीठा मीठा टेस्ट आ रहा है। लुक्स लाइक मैंने तो अभी अपनी रेड लिपस्टिक के ऊपर लगाया है, बट क्या दिस इज द शेड बाय द वे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड फाइनली द लास्ट पीआर फ्रॉम नायका, ये है फ्रॉम एलए गर्ल्स। सबसे पहले मेरे पास ये एलए गर्ल का हाइड्रेटिंग मिस्ट, जो लिटरली मुझे देखते ही लगा था कि कोई बॉडी मिस्ट होगा, बिकॉज शेप देखो यार इसकी, मतलब लग नहीं रहा कोई बॉडी मिस्ट होगा, बट ऐसा नहीं है, ये हाइड्रेटिंग फेस मिस्ट है, इज अ हाइड्रेटिंग मिस्ट। आई थिंक ये मेकअप के ऊपर भी लगा सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ है। बड़े अजीब खुश हुए, इट्स नॉट दैट प्लीजिंग, प्लीजिंग नहीं है वो, थोड़ी सी अजीब है। शेक वेल, स्प्रे अवे फ्रॉम फेस, सो इट्स अ हाइड्रेटिंग मिस्ट, जिसको आई थिंक आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो या फिर मेकअप के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी बार जब ऐसे ड्राई ड्राई लगता है ना मेकअप, तो आप उसके ऊपर उसे भी स्प्रे कर सकते हो। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, नो कमेंट्स, बट फ्रेग्रेंस अजीब है यार, हल्की सी एक अल्कोहल वाली खुशबू इसमें आ रही है। नेक्स्ट वी हैव अ लिप लाइनर फ्रॉम एलए गर्ल, द शेड इज रोज वुड। मैं काफ़ी टाइम से एक अच्छा लिप लाइनर देख रही थी जिसका एकदम ये एग्जैक्ट शेड हो, जो अभी पैकेजिंग से दिख रहा है, तो जरा स्वॉच करके देखते हैं कि ऐसा है या फिर नहीं है। सो दिस इज द एलए गर्ल शॉक वेव न्यूड लिप लाइनर, द शेड ऑफ दिस वन इज रोज वुड। सो जरा स्वॉच करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी बटरी, और इसका वो वाइन और हल्का सा न्यूड वाला जो कलर होता है ना, बिल्कुल वो अलग कलर है। सो दिस आवर रोज वुड लुक्स लाइक, अगर आप ऐसे शेड लगाना प्रेफर करते हो, दिस कैन बी अ गुड लिप लाइनर। नेक्स्ट अप वी हैव एलए गर्ल का ल्यूमिनस ग्लो स्किन एलुमिनेटर, दिस इज आवर लुक्स लाइक। स्किन एलुमिनेटर वही जो मैक की स्ट्रोक क्रीम आती है, स्विस ब्यूटी की आती है, ये वही एलुमिनेटर वही हो गया। सो दिस इज इन द शेड GLP 692 आफ्टर ग्लो। ट्यूब के कलर से तो लग रहा है थोड़ा सा टैन टाइप का होगा, एक बार जरा खोल के देखते हैं। ये तो लिक्विड हाइलाइटर की तरह भी यूज हो जाएगा। वाह कितनी अच्छी जगह मैंने स्वॉच किया, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इट्स नाइस, लाइट में देखो कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। सो लिक्विड एलुमिनेटर क्या होता है, आप इनको हाई पॉइंट्स में लगा सकते हो बिफोर डूइंग योर फाउंडेशन। लाइक आपने प्राइमर लगाया, प्राइमर के बाद हाई पॉइंट्स पे यहाँ पर लगा लिया, नोज पर, या ओवरऑल फेस पे भी लगा सकते हो। अगर आप कोई शादी पार्टी में जा रहे हो, आपको पता है फ्लैश फोटोग्राफी वाला एकदम फोटोज होनी है, तो एलुमिनेटर उस टाइम में बहुत अच्छा लगता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपने फाउंडेशन में मिक्स कर सकते हो। काफ़ी सारे जो फाउंडेशन होते हैं ना, वो एकदम मैट होते हैं, लगाते ऐसा लगता है स्किन ड्राई हो गई, सूखी सूखी लग रही है, डल लग रही है, तो उसमें भी आप ऐड कर सकते हो। मिक्स करोगे ना तो काफी अच्छा एक कंकॉक्शन बन जाता है, और एक अच्छे से आप अप्लाई भी कर सकते हो। बॉडी पर भी लगा सकते हो, अपने बॉडी लोशन में भी मिक्स करके लगा सकते हो। तो जैसे स्किन एलुमिनेटर होते हैं ना, वो मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट होते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली बाय इट फ्रॉम एलए गर्ल, तो अगर अच्छे डिस्काउंट पे होगा तो ले लेना। आर वी डन? नो, वी आर लेफ्ट द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, आई एम रियली श्योर। जो लोग कहते हैं लंबी वीडियोज़ बनाया करो आप, लॉन्ग वीडियो ज़्यादा नहीं डालते, ये वीडियो आज तुम्हारे लिए गाइस। अगर तुमने लास्ट तक नहीं देखी, तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमने डिमांड किया था। सो दिस इज अ लिपस्टिक, ये है एलए गर्ल की लिप मूज वेलवेट लिप कलर। दिस इज वेरी सिमिलर टू रोज, जो इन्होंने लिप लाइनर दिया है। वेर इज अ लिप लाइनर? ओके, लिप लाइनर यहाँ पे कबाड़ में एकदम गुम हो गया, बिकॉज यहाँ पर खलेरा हो गया, खलेरा दैट यू से इन पंजाबी। सो ये जो लिप लाइनर कलर था वो ऐसा था, और एक बार ज़रा ये लिपस्टिक स्वॉच करते हैं। आई थिंक मुझे थोड़े से भाई बहन लग रहे हैं, ये ऑलमोस्ट सिमिलर, ये थोड़ा सा न्यूड में चला गया और ये थोड़ा सा एकदम वाइन शेड में चला गया। सो दिस इज़ व्हाट लुक्स लाइक। ऐसे शेड शादी के बाद काफ़ी अच्छा लगता है, बिकॉज अब ऐसे चटक वाले सूट पहनो ना, तो ये वाइन वाइन वाले शेड काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसका शेड है बाय द वे मूडी। सो दिस इज़ हाउ एलए गर्ल का मूडी शेड लुक्स लाइक, अ क्लोजर स्वॉच फॉर यू गाइज। एंड
And with this, we are done with our pink summer sale haul. PR का stuff भी दिखा दिया, box का भी दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया. इसको साफ करने में time लग जाएगा, but never mind. इन सबके links आपको मिल जाएंगे description box में. Please check कर लो जल्दी से जल्दी, because sale खत्म होने वाली है. I think एक या दो दिन में sale खत्म हो जाएगी. और अगर आपको मेरे और recommendation देखने हैं, go to my Instagram. मैंने जैसे कि आपको बताया था, मेरी highlight आपको मिलेगी, Nykaa sale की highlight आपको सबसे पहले ही मिल जाएगी. आपको check करना, मैंने उसमें बहुत सारे recommendation करे हैं. Literally भर दिया था, मैंने स्पैम कर दिया था, मैंने इतने रिकमेंडेशन करे इस बार. सो वहाँ पर जाके भी आप शॉप कर सकते हो. एंड यार, दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.